वेलकम टू हाउस डॉक्टर स्टूडियोज। मैं हूं आपका अपना आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो दोस्तों, आज का जो ये प्लॉट है ये सिर्फ 66 गज का प्लॉट है। जी हां, ये 20 बाय 30 का प्लॉट है और इसके अंदर आज आपको हम एक बहुत ही शानदार हाउस दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे कॉन्टेंट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों, जो इस हाउस के प्लान के लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इसी के साथ बिना किसी देरी के हमारी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्या तो दोस्तों, आप इस हाउस का शानदार एलिवेशन देख सकते हैं और इसी के साथ हम हमारे हाउस के अंदर एंट्री लेते हैं। तो एंट्री लेते ही आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पोर्च देखने को मिल जाएगा और इस पोर्च का साइज 8 फीट 1.5 इंच बाय 14 फीट 9 इंच का रहेगा और जो स्टेयर है वो आपको यहीं से कंटीन्यूअस देखने को मिल जाती है। तो ये चलिए, इसके बाद हम हमारे हाउस के लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे हाउस का हॉल एरिया है और इसका साइज 10 फीट बाय 18 फीट और 1.5 इंच का रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छा हॉल का एक साइज देखने को मिल जाता है और आपको एक साइड में ओटीएस भी देखने को मिल जाएगा और आप इस ओटीएस को वॉशिंग एरिया की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो आइए चलिए, इसके बाद ओटीएस की तरफ चलते हैं। आप इस ओटीएस को देख सकते हैं, इसका साइज 3 फीट बाय 3 फीट का रहेगा और ये ओटीएस हमारा ऊपर तक ओपन रहेगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे हाउस के किचन एरिया की तरफ चलते हैं। आप किचन देख सकते हैं, इसका साइज 8 फीट 1.5 इंच बाय 9 फीट का रहेगा, जो कि हमारे इस प्लॉट के साइज के हिसाब से आपको यहाँ पर काफी अच्छे साइज का किचन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे हाउस के कॉमन टॉयलेट की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर कॉमन टॉयलेट 8 फीट 1.5 इंच बाय 4 फीट और 9 इंच का देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छे साइज में टॉयलेट देखने को मिल जाता है और इसकी वेंटिलेशन जो है वो हमारे हाउस के पोर्च एरिया की तरफ होगी। तो आइए इसके बाद आगे बढ़िए, हम आपको हाउस का फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं, जो कि हमारे हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर है। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर हाउस का फर्स्ट बेडरूम देखने को मिल जाता है। इसका साइज 10 बाय 10 फीट का रहेगा, सामने एक टीवी पैनल और आपको एक साइड में यहाँ पर वार्डरोब देखने को मिल जाएगी। तो आइए इसके बाद हम हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पर स्टेयर देख सकते हैं, स्टेयर की आपको यहाँ पर विड्थ 3 फीट और 3 इंच की देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छे साइज की स्टेयर देखने को मिल जाती है। तो आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर आपको यहाँ पर एक अच्छा पैसेज एरिया देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आप हाउस की फ्रंट में बालकनी देख सकते हैं। तो आइए इसके बाद हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। इसका एक डोर आपको बाहर बालकनी की तरफ देखने को मिल जाएगा और एक अंदर आपको लॉबी एरिया में देखने को मिल जाएगा और इस बेडरूम का साइज 10 बाय 10 फीट का है और इस बेडरूम की अच्छी बात यह है कि आपको इसके साथ अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आप ये टॉयलेट देख सकते हैं, इसकी वेंटिलेशन आपकी जो हाउस का ओटीएस एरिया है बैक साइड में वहां पर होगी और जो ये टॉयलेट है इसका साइज है 5 फीट बाय 8 फीट और 9 इंच का।
तो आइए इसके बाद हम हाउस के लॉबी एरिया की तरफ चलते हैं। लॉबी आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्मॉल साइज में देखने को मिलेगी, क्योंकि एरिया ही हमारे पास इतना है, क्योंकि हमने इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। और आप देख सकते हैं हमारे हाउस का सेकंड बेडरूम, और इसके बाद हम चलते हैं हमारे हाउस के लास्ट बेडरूम यानी हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ। और ये है हमारे हाउस का थर्ड बेडरूम। इसका साइज़ 15 फीट बाय 9 फीट का रहेगा। अच्छा, आपको यहाँ पर साइज़ देखने को मिल जाता है। आपको एक साइड में अच्छी वार्डरोब और उसी के साइड में आपको एक ड्रेसिंग टेबल, सामने एक टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ आपको अटैच टॉयलेट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आइए इसके बाद अटैच टॉयलेट की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं इस टॉयलेट का साइज़ 8 फीट डेढ़ इंच बाय 4 फीट और 9 इंच का रहेगा, और इसकी वेंटिलेशन हमारे हाउस के पोर्च एरिया की तरफ होगी। तो दोस्तों, आपको हाउस के थर्ड बेडरूम के साथ आपको ओटीएस एरिया देखने को मिल जाएगा, और आपका ये छोटा सा एक बालकनी की तरह भी काम करेगा। आप देख सकते हैं ऊपर से आपको ये पूरा ओपन देखने को मिल जाता है, और इसका साइज 3 फीट डेढ़ इंच बाय 9 फीट और 4.5 इंच का रहेगा। आप इसका जाल का एरिया ऊपर से देख सकते हैं, आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए। और जो हमारा टेरिस है, हम आपको इसको आगे दिखाते हैं। तो चलिए हमारे हाउस के टेरिस एरिया की तरफ चलते हैं। हम स्टेयर से होते हुए स्टेयर का, जैसे हमने आपको साइज़ बता ही दिया था कि इसका साइज़ आपका 3 फीट और 3 इंच का रहेगा, जो कि एक अच्छा साइज़ है। आप देख सकते हैं आपको ऊपर एक छोटा सा स्टोरेज के लिए भी स्पेस मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर काफ़ी काम में आने वाली ये चीज़ है। तो दोस्तों, इसके बाद बारी है हाउस के टेरिस एरिया की। आप यहां पर टेरिस देख सकते हैं। टेरिस हमने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, और आपको ऊपर भी फ्रंट में एक छोटी सी बालकनी देखने को मिल जाएगी, और आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए। आपको यहां पर अच्छा सिटिंग के लिए स्पेस मिल जाता है। हमने यहां पर आर्टिफिशियल ग्रास भी लगाए हैं, और स्टोन का थोड़ा बहुत यहां पर हमने वर्किंग भी की है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छे कॉन्टेंट हम आपको इसी चैनल पर दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आपको मिलते हैं किसी एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।